सूत्रों के मुताबिक उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने आज तिहाड़ जेल में अनशन शुरू कर दिया। लोगों के विरोध के कारण दिल्ली पुलिस ने आज अन्ना की जेल से रिहाई का जो निर्णय लिया है उसे भी अन्ना ने ठुकरा दिया। अन्ना के समर्थन में आज लोग सड़कों पर उतर आए। मैं भी अन्ना तू भी अन्ना के नारों से आज देश गूंज रहा है। अन्ना तुम संघर्ष करो, अन्ना तुम संघर्ष करो, अगर मुसलमान हो तो रोजे रखो सवाब मिलेगा, अगर हिंदू हो तो नवरात्रि रखो वरदान मिलेगा, अगर अपने देश को मानते हो तो अन्ना के अनशन में आओ सुंदर और सुनहरा। अन्ना हजारे को गांव, शहर, कस्बे के हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। अब सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही। मैं किशन बाबूराव हजारे उर्फ अन्ना से पूछना चाहता हूँ कि आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, जबकि आप खुद ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो। सर सर प्लीज वन बाइट सर, शिखा एबीपी न्यूज सर, एक बाइट दे दीजिए सर। सर आप अन्ना जी के आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस अन्ना की बात कर रहे हैं वो भगोड़ा अन्ना, अरे मिलिट्री से जो भाग के आया हो क्या वो हमें देशभक्ति सिखाएगा? रात के 3:30 है और ये है माहौल। ऐसा माहौल बना पड़ा है, किसी से हम बात करते हैं, पूछते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? शायद वो ये कह रहे हैं कि बस बातें बहुत हो चुकी है, अब वक्त है जन लोकपाल का। यहाँ आप देख सकते हैं कि अन्ना जी के समर्थकों से दिल्ली के रास्ते भरे पड़े हैं और ये है एक बुजुर्ग। चलिए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? जी मैं पंजाब जा रहा हूँ इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। मैंने गांधी जी के साथ भी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, पर मैं हैरान हूँ इन नौजवानों को देख के कि ये किसी की बात सुनने वाले नहीं थे। आज हर नौजवान के हाथ में लहराता हुआ तिरंगा देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? खैर एक बात तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस 74 वर्ष के बूढ़े में क्या खासियत है कि देश के हर कोने से सब लोग यहाँ इस सड़क पर उतर आए हैं। और आपको क्या लगता है अन्ना जी में क्या खासियत है? मैं तो ये सोचता हूँ कि अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। अन्ना को सरकार ने बिना किसी शर्त के रामलीला मैदान में अनशन करने की अनुमति दे दी। अन्ना का काफिला रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहा है। अन्ना को देश के कोने कोने से समर्थन मिल रहा है और अन्ना के समर्थन में आज लोग अन्ना टोपी पहनकर लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। अन्ना तुम संघर्ष करो, इंतजार कर रहे हैं। अन्ना जी किसी भी वक्त मंच पर पहुंचने वाले हैं। सारा देश, सब लोग अन्ना की एक झलक पाने को बेताब है। बयालीस में
हमारे देश में एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण गोरा अंग्रेज देश छोड़कर चला गया। अंग्रेज चला गया लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, लूट खत्म नहीं हुई। इसलिए आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई। क्रांति की मशाल जल चुकी है, अन्ना हजारे रहे ना रहे, क्रांति की मशाल जलती रहेगी। यहां से जन लोकपाल लेकर ही उठेंगे, क्योंकि हमारी राह सच की राह है और सच की राह पर चलने वाले को कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बे दुली चार, बे त्रिक्स हा, चार बचा। किशन हजारे जी, गुरु जी। या गृह पाठ किया? हाँ गुरु जी। तो कापी कहाँ है? मैं कापी घर बुलाया गुरु जी। बिना कापी के पाठशाला चले आए? जाओ लेके आओ, जाओ। जी गुरु जी। वंदे मातरम्, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम्, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। अरे किशन, तू यहाँ? तुम्हें चलाओ तक पूरे। हाँ क्या हुआ? चलो मेरे साथ। कहाँ? स्कूल। क्यों? अरे गुरुजी ने गृह पाठ के लिए पूछा, मैं डर गया था, सो कह दिया कि कापी घर बुलाया, तो गुरुजी ने कहा कि घर से कापी ला। तुम चलो मेरे साथ और गुरुजी से कह दो कि कापी खो गई है। किसना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम जाओ गुरुजी से बोल दो जो भी सच है। अगर मैं गुरुजी से सच कह दूंगा तो मुझे मारेंगे। देखो आई, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने झूठ बोला। पहले ही सच बोल देते तो ये नौबत तो नहीं आती ना। देखो किसना, ये बात हमेशा याद रखना, जीवन में सच की राह पर चलने वाले को कभी भी ऐसा सर झुकाना नहीं पड़ता। सच बोलने वाले को कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती। हमें सामाजिक विषमता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध परिवर्तन की लंबी लड़ाई लड़नी है। अरे किसी ने सोचा था कि अहिंसा के मार्ग पे भी आजादी मिल सकती? गांधी जी ने कर दिखाया ना, तो ये परिवर्तन संभव है। जीवन में परिवर्तन होता रहता है, बस हम उसे स्वीकार करने में देर लगाते। हिंदुस्तान की धरती से यूनियन जैक कभी नहीं उतरेगा। बाबा सर आई, हमें हमें गांव चढ़ के क्यों जा रहे हैं? देखो बेटा, भिंगार जैसे बड़े गांव में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। वहाँ रायगढ़ सिटी में हमारी जमीन है, वहाँ जाके काम करके कुछ तो गुजर बसर हो जाएगा। पर मेरे सारे दोस्त यहाँ पे, और मैं इनके बिना कैसे खेलूंगा? But very substantially. At the stroke of a midnight hour, when the world speaks, India will awake and light its freedom.
दरवाजा इससे। ए रुके रुक, जाने दो ना उसको। ए रुक, अरे बाबू बाबू छोड़ दो, जाने दो। ए रुक, रुके रुक, अरे जाने दो। चलो चलो रुके रुक, चल 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 वो तो चला गया। रवि माँ कहती झूठ नहीं बोलना चाहिए। रे चुप, अब वो गिल्ली हाँ हाय, मुझे भी भाजी चाहिए। लक्ष्मी, अरे उसे डांट क्यों रही हो, उसे भूख लगी होगी। आजा मेरे साथ खा ले। हाँ किशन, तेरे पैर तो घर में टिकते ही नहीं है, काफी दोस्त बना लिए तुमने यहाँ रायगढ़ में। पहले तो गांव छोड़ के यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं था तू। मुझे क्या पता था कि यहाँ पे राजू राम गोपाल जैसे दोस्त मिलेंगे। तो किशन मेरे साथ बॉम्बे चलेगा। बॉम्बे? हाँ सुना है मामा, वहाँ पे जुगाड़ी भी होती है। हाँ हाँ, और ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं। सच बाबू, अगर आप हाँ कहें तो किशन को ले जाओ मेरे साथ बॉम्बे। वहां रहेगा तो पढ़ लिख सकेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ले जाओ। आज देश अपना पहला गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। मैं सभी देशवासियों को पहले गणतंत्र दिवस पर बधाई देता हूँ। आज से जनता मालिक हुई। जनता मालिक कैसे हुई है? जैसे 15 अगस्त 1947 से हमने अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ दिया, वैसे ही आज 26 जनवरी 1950 से हमने उन्होंने हमारे लिए बनाए हुए कानून को भी बाहर खदेड़ दिया। आज से हमारे देश में हमारा बनाया हुआ संविधान लागू हुआ है, जिससे अब जनता मालिक हुई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मामा जनता मतलब? जनता मतलब मैं, तुम, हम सब। मामा सरकार मतलब? देख, इस फैक्ट्री को ठीक से चलाने के लिए मालिक ने हमको सुपरवाइजर रखा है, वैसे ही इस देश को अच्छे से चलाने के लिए हम मालिक देश के कोने कोने से चुनकर हमारे प्रतिनिधि मतलब सुपरवाइजर्स संसद भेजेंगे। तो सरकार मतलब ऐसे चुनकर आए हुए प्रतिनिधियों का एक समूह। और संसद मतलब? चल अभी बहुत हो गया। ये राणीगंज से खत आया था। बेटला क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। किस्मत जैसे बाबूराव से रूठ ही गई है। भिंगार से रायगढ़ गया था, उसने सोचा था वहां खेती करेगा, लेकिन रायगढ़ में पिछले 3 साल से अकाल के कारण खेती में कुछ नहीं हो पाया और अब हालात और बदतर हो गए हैं। पिछले साल बैल जोड़ी भी की थी, इस बार गहने। बोनी के बच्चे हफ्ता निकाल, चल हफ्ता निकाल। सच में नहीं है। कह रहे एकदम संगून करता क्या है, चल हफ्ता काट। साफ सच में नहीं है। क्या हुआ? हफ्ता मांग रहे। क्या देख,
सरकारी जगह पर धंधा करना है तो हफ्ता देना ही पड़ेगा। पर सरकार तो हमारी है। ए, चल तू बाजू में हो, चल हफ्ता निकाल। नहीं देगा वो। तो, चल हफ्ता निकाल, चल अब तो सुन, तू क्या सर है, चल हफ्ता निकाल। ले लीजिए सर। ए चल चल तो हफ्ता निकाल, तेरे को अलग से समझाओ। हाँ चले हफ्ता निकाल। अन्ना के कारण आज रालेगंज सिद्धि का नाम दुनिया की हर जुबान पर है। महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव के बारे में आज लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। रामलीला मैदान के मंच से आज अन्ना हजारे ने नौजवानों को आवाज़। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे युवा युवती, स्कूल के छात्र, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। कई देशों को युवकों ने बनाया है। युवक मेरा आशा स्थान है। कई वर्षों से युवकों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आज पता नहीं भगवान के दिल में क्या आया, उसने आप सबको सद्बुद्धि दिया और मुझे आप सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। आज भ्रष्टाचार को देखकर जैसे गुस्सा आता ना, वैसा ही गुस्सा मेरी युवा अवस्था में मुझे गांव की गरीबी भुखमरी देखकर आता। मैं सोचता, अरे क्या है जीवन, क्यों जीना। तभी रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुना। सभी जानते हैं कि चीन के साथ हुई जंग में हमारे काफी जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त देश को अपनी सरहदों की रक्षा के लिए नौजवानों की सख्त जरूरत है। देश के नौजवानों से अपील है कि बड़ी संख्या में भारत माता की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो। अब एक गाना सुनिए, उसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। किशन हजारे। किशन हजारे, और रिजेक्ट। रिजेक्ट साहब जी, अरे आपकी हाइट कम है। उसका भी तो हाइट कम है। वो मैट्रिक पास है। चलो बाजू बैठो, चलो चलो चलो। साहब जी, ये लोग कह दिए कि मैं अनफिट हूँ साहब जी। तो साहब जी, मैं मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ साहब जी। आपसे कहा ना कि आप अनफिट हो। एक मिनट, वेल देखो, देखो मिलिट्री के कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं। सिलेक्शन के पहले हमें देखना पड़ता है लड़के की हाइट क्या है, उसका वजन क्या है, उसका एजुकेशन कितना है, उसके सीने की चौड़ाई कितनी है। साहब जी, मेरा ऐसा मानना है कि सीने की चौड़ाई से ज्यादा सीने के जज्बात ज्यादा जरूरी है साहब जी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मिलिट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और देश सेवा का मौका हर हिंदुस्तानी नौजवान का हक साहब जी। आपको बताना चले, ले लो साहब जी।
किसी भी नौजवान के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि वो अपने देश की सेवा के लायक भी नहीं है साहब जी। जी साहब जी रुको, तुम्हें सेलेक्ट किया जाता है पर तुम्हें फिजिकल पास करनी होगी। करूंगा साहब जी, करूंगा साहब जी। क्या देखती है, यही अनुशासन सिखा रहे तुम लोग? किसका ये किसान नजारे का है श्रीमान जी? सारे रिक्रूट्स को फ्रॉग मार्च पनिशमेंट। कोई धरा नहीं होगा, कोई आगे वाली लाइन तक जाएगा। आगे औरतें, बॉस जल्दी आगे। ओए रुको त्या, और गाना सुन तू मेरी। और जब तेरी गलती की वजह से हम सब ने सजा काटी। सीने की चौड़ाई नहीं, उसके अंदर के जज्बात देखने चाहिए। तुम्हारी यही बात सुनकर अनफिट होने के बावजूद मैंने तुम्हें मौका दिया, कहां गए वो जज्बात? सेना में सिर्फ जज्बातों से काम नहीं चलता, शरीर को लोहे की तरह आग में तपाना पड़ता है। तुम इससे 10 गुना लंबी दौड़ लगा सकते हो अगर खुद पर विश्वास हो। नौजवान, हमेशा के लिए एक बात गांठ बांध लो, जंग का मैदान हो या जिंदगी का, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। रिक्रूट पूरे हैं? नहीं श्रीमान जी, 2 रिक्रूट दांत तो ही भगोड़ा आ गए। कोई बात नहीं, परेड मार्च करो। शाबाश नौजवान, वेल डन। धन्यवाद साहब जी। कर देता तूने छोटू, दम है भाई छोरे में। किसन नाम है मेरा।
सबने फौज का कठिन प्रशिक्षण मेहनत के साथ पूरा किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। हिंदुस्तान का सिपाही जंग का मैदान दो ही सूरतों में छोड़ता है, या तो जीत हासिल करके या देश के लिए कुर्बान होकर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जिंदगी का मकसद ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच गया हूं भाई। संभल के। आपको भी बताइए साहब जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब जी। जी साहब जी, ओवर एंड आउट साहब जी। और बाजी, आज बड़े खुश लग रहे हो। ओए यारा, खुशी की बात है यारा। क्या हो गया? आज साढ़े जवानों ने 20 से ज्यादा दुश्मनों के जवान टेक किए। ओए आज तो फिर जश्न होगा। ओए डबल जश्न होगा यारा, आज तो बड़ा खाना भी है। ओए बात है। ओए अज दी शाम इन बहादुर जवानों के नाम हाँ तो अर्ज किया है, हिंदुस्तान की धरती पर ये तिरंगा इसी तरह शान से लहराता रहेगा जब तक भारत माँ की रक्षा ये शेर सिपाही करता रहेगा। क्या बात है? आज हमारा एक साथी एक बारूद ओ किसने ओ की हो यार चल उठ ओ खड़ा हो ओ गया खड़ा हो यार चल उठ ओ यार आज हमने तुझसे गाना गवाया गवाया बाजी तेनु नचाया नचाया बाजी तेनु पिला भी दियो रे ओ पाजी ओ पाजी लेकिन आप लोग पीते नहीं हो पाजी पीते नहीं है हाँ अरे कैसे कौन कम कम कौन कमबख्त ये बाजी ये दिलीप कुमार साहब भी बाजी बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते दिलीप है ओ हाँ तो कौन कमबख्त है जो शराब पीता है हम तो पीते हैं कि इस भयानक ठंड को बर्दाश्त कर सके पाजी ओ पाजी आज वैसे हम बहुत खुश है हमने दुश्मन के जवानों को मार गिरा दिया लेकिन 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 चार दिन पहले हम दुखी थे क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए थे ओ यारा आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे इंसान हो तो क्या आपने कहीं पढ़ा है क्या ये धरती के टुकड़े किसने किए और ये सरहदें किसने बनाई यार ओ यार आप तो बड़े पढ़े लिखे इंसान हो दया जब किसी शहीद के मां को पता चलता होगा कि उसका बेटा नहीं रहा तो यार उसमें तो बहुत दुख होता होगा यार
गया रे, उसकी उसकी बीबी की तो जिंदगी गुजर जाती होगी। ओ पाजी, उसके उसके मासूम बच्चों की तो मासूमियत उसी दिन खत्म हो जाती होगी। ओ यारा, आप तो बड़े पढ़े लिखे इंसान हो। ओ पाजी, क्या आप लोग ये नफरतें सरहदें बंदूकों की बजाय मोहब्बत और अमन से नहीं रह सकते पाजी? यारा, ये जो अपना पड़ोसी मुल्क है ना, अमन की भाषा नहीं समझता यार। नहीं समझता ओ पाजी, मेरे को तो ये जिंदगी समझ में नहीं आ रही पाजी। ओ पाजी, गोल 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 घूमते ना पाजी। यार मैं उठो सवाल यार। ओ पाजी, यार आप तो पढ़े लिखे इंसान हो पाजी। ओ पाजी, ये जिंदगी चीज क्या है पाजी? जिंदगी क्या है तू? गांव में इंसान तो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है, कहीं दुश्मनी के नाम पर, कहीं सरहदों के नाम पर एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। क्या ये जीवन जीने की वजह है? नहीं, तू जला हुआ है। मैं औरों की तरह बिना मकसद तेरे रास्ते पर चलने की बजाय मौत की मंजिल को पालूंगा, इस माया जाल से छुटकारा पालूंगा। भाई बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ सवाल जो मुझे सोने नहीं देते, मैं उनका हल नहीं ढूंढ पाया। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। काका जी। बाबूजी। काका, ये ट्रेन अभी तक नहीं आई। ट्रेन तो हमेशा सही समय पे आती है, आज पता नहीं क्यों लेट हो गई। काका, ये किताब देखिए ना बाबूजी। से कहना चाहता हूं,
जीवन में कितनी ही तकलीफें आ जाए, आपके मन में निराशा के भाव कभी मत आने देना। अरे बस बस बस, दादा आप आ गए। कैसा है तू? मैं अच्छा हूं, पेटी मैं लाता हूं, आप चलिए। अरे किसना? बाबा नमस्कार कर दो। ए किसना चाहिए? किसना आला बस। जीवन अमूल्य है, जीवन जीने का एक उद्देश्य होना चाहिए। जो इंसान समाज के भले के लिए जीता है, उस इंसान को अपने जीवन में सुख शांति और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। माउली, मुझे जीने का मकसद मिल गया। माउली बाबा तबियत क्या म्हणते तुमची? ठीक है बाबा। आता आणि पाऊस यावर्षी पण काहीच नाही ना, जनावरांना सुद्धा प्यायला पाणी नाही आता। हा आई, एक जरूरी बात करनी है तुझसे। अच्छा। मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, इस बार तो शादी करके ही जाना। आई तू मेरे शादी के बारे में सोचना बंद कर दे। अरे बाबा हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? सच कहूं? मैंने तय किया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। क्या? अरे किसना, ये शादी ना करने का विचार कैसे आया तुम्हारे मन में? आई ये दिया हमारे घर को रोशन कर रहा है, अब उस दिए को देखो जो हमारे घर के साथ साथ आने जाने वाले राहगीरों को भी राह दिखा रहा है। दिया वही है आई, बस उसने अपना दायरा बड़ा कर लिया है। विवेकानंद जी भी यही कहते हैं कि अपने सोच का दायरा बड़ा करो। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं आई, लेकिन सोचता हूं कि इस हालात में अगर शादी करूंगा तो ये जीवन मेरे छोटे से परिवार के पालन पोषण में ही बीत जाएगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने परिवार को अपने मां बाप भाई बहन बीबी बच्चों तक सीमित मत रखो, अपने गांव को अपना परिवार मानो, अपने देश को सारे विश्व को अपना परिवार मानो। वसुधैव कुटुंबकम। ये सब किताबी बातें पढ़ने सुनने में बहुत अच्छी लगती है किसना। देखो बड़ा, जीवन भर तो मैं तुम्हारे साथ नहीं ना रह सकती, मेरे बाद तुम्हारी देखभाल करेगा कौन किसना? डॉक्टर्स की टीम अन्ना की जांच कर रही है, अन्ना की सेहत की चिंता ने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक परिवार का रूप दिया है। अन्ना की सेहत को लेकर लोग मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में दुआएं मांग रहे हैं, सारा देश अन्ना की तबीयत को लेकर चिंतित है। आज अनशन का सातवां दिन है, वजन 4 किलो कम हुआ है, बाकी ठीक है। आप सब जो यहां इकट्ठा हुए हैं और जो सारे देश में इकट्ठा हुए हैं, आप सबसे मुझे ऊर्जा मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलती है। मैंने छोटा परिवार ना करते बड़ा परिवार कर लिया, मेरा ऐसा मानना है। अरे हार्ट अटैक आके मरने से अच्छा देश के भले के लिए मरना। अगर
देश के भले के लिए मेरी जान भी जाती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हाँ। ये आकाशवाणी है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत और पाकिस्तानी सेना में घमासान आज भी जारी है। आज के करण में हमारे जाबाजों ने कई पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त किए, जिसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है। तैयार हो जाए यारा, मैदान जंग पहुंच चुके हैं। वो हम तो मैदान जंग पहुंच गए। अनु एक ऐसे मोहब्बत की जंग चल रही है। और भजन मन ने इसलिए याद आ रही है इसकी, मन ने वादा किया था इससे, इन पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाऊंगा फिर थारे को ब्याह के ले जाऊंगा। वक्त आ गया है यारा। जावे चला गया दुश्मन। हरभजन उठ जा। ओए राजेंद्र उठ, उठो। हरभजन, हरभजन उठ दया, दया, दया। राजेंद्र के बाद क्या प्लान है सर? मैं रिटायरमेंट के बाद घर जाऊंगा और अपना सारा वक्त अपने परिवार के साथ गुजारूंगा। बहुत मिस करते हैं मुझे। सर अगर इजाजत हो तो कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बोलो। सर मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट हमारी ट्रेनिंग पर काफी खर्च करती है। रिटायरमेंट के बाद हमारे इस ट्रेनिंग का उपयोग हमें गाँव के भले के लिए करना चाहिए। मतलब? सर हर महीने हजारों जवान मिलिट्री से रिटायर होते हैं। सोचिए सर, हमारे इस कठिन परिश्रम का उपयोग हमने गांव के भले के लिए किया तो गांव के हालात बदलने वक्त नहीं लगेगा सर, देश की सूरत बदल जाएगी। किशन, मैंने अपने जिंदगी का बेस्ट टाइम आर्मी को दिया है, अपने देश को दिया है, और बाकी का वक्त मैं अब अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूं। मेरी बस की नहीं कि मैं गांव में जाकर सेवा करूं। Thank you.
मेरी जान बचा लेता है। क्यों, क्या करवाना चाहता है तू मुझसे? सर, मैं अन्ना का कार्य देखने रालीगंज सिद्धी जाना चाहती हूँ। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। आपल्या समाजासाठी अन्ना मागताय। हे जनलोकपाल बिल जर पास झालं, सहमत झालं, तर बऱ्याच गोष्टी। अण्णांचं आंदोलन यशस्वी होणारच, माझा पूर्ण भरोसा आहे आंदोलनावर। नमस्कार। अप्पा, आप अन्ना के बारे में हमें कुछ बताएंगे? गाव का भला कैसा, सगळ्यांचं चांगलं ऐसे ही सोचता था वो। मिलिट्री में रह के पूरा दुनिया देखा, उसको लगता था अपना गांव भी वैसा खुशी आनंदी वाला पाएगा। 1973 में वो वापस आया तो एकदम बदल गया था। दादा, अरे बस बस बस, सुना तू आई पाया भर तेरी मुझ को क्या हो गया और इस बार तुझे जल्दी छुट्टी मिल गई। आई, मैं इस बार हमेशा के लिए छुट्टी लेकर आया हूँ। काय चकुली कशी आहेस? नमस्कार करतो बाबा। म्हणजे काय रे बाबा? मैं सेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आया हूँ। क्या? हाँ? वॉलंटरी मतलब क्या? हाँ बाबा, मैं सेना की नौकरी छोड़ आया हूँ। क्यों किसना, ये ऐसे अचानक? अरे क्या हुआ? सुनो ए, किसना, अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ है? आप सर कुछ बताने को तैयार नहीं है, तो माफ हूं मैं उसका। गांव मतलब किसान, साल भर मेहनत करके किसान अपनी फसल उगाता है, समाज को अनाज देता है, और बदले में चाहता क्या है कि उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाए। सोचता है इस साल फसल बेचेगा तो घर का कुछ काम ही कर लेगा, जब पैसा मिलेगा तो अपने घर के कबीले बदल लेगा, बाल बच्चों के लिए कुछ सामान, कुछ जरूरत के सामान ले आएगा, अपने चप्पल भी बदल लेगा। काटे चुभते हैं बाबू, खेत में काम करते वक्त काटे बहुत चुभते हैं। फसल बेचकर जब बाजार से निकलता है तो खाद का, बीज का, साहूकार का देते देते कुछ नहीं बचता। घर आता है तो घर वालों से आंखें नहीं मिला सकता हूं। कुछ कमजोर किसान तो आत्महत्या कर लेते हैं। अपने गांव की हालत तो और भी बदतर है, पानी नहीं है यहां। क्या हुआ अप्पा? कोई मंदिर की लकड़ियां चुरा लेंगे।
इन शराबियों को अभी मंदिर की लकड़ी भी कम पड़ने लगी है, बेचेंगे और शराब पियेंगे और क्या। पापा, इस मंदिर की हालत भी बहुत खराब हो गई है, इसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं करते? गांव की हालत तुम देख ही रहे हो, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? आओ निहारी से बता जरा। ये तेरी जिंदगी भर की कमाई है। मेरी कमाई अगर गांव के भले के लिए काम आती है तो मुझे खुशी होगी। अप्पा, फिर से एक बार सोच ले, ये बहुत बड़ा निर्णय है। सोच लिया अप्पा। या आता सांग गुटली एजा नंतर। मैंने सुना है कि तूने अपने सारे पैसे मंदिर में दान दे दिए। अरे बोलना बाबा, गांव को मंदिर की जरूरत है बाबा। ये घर को तेरी जरूरत नहीं है, ये परिवार को तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। किसला? अरे चुप, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। जाएगा पहाड़ के ऊपर जाके बैठेगा। क्या मेरे को बैठना देना? चल निकल यहाँ से, क्या लगा है सवेरे सवेरे? अरे खाली आठ नहीं, अरे चल जाना, जो पाया पड़ा। अरे चल निकल, बोल देर को, चल निकल यहाँ से सवेरे सवेरे। आते ही दिन है, सगले गांव के उड़े नहीं भर ले ले। ए सिक्किया मलिक, अबरा मलिक, अबरा। मेरे को आने तो राम राम याद आ गई। मेहरबान दो गोटे में चलो। मालिक ऐसा मत करो, मालिक ऐसा मत करो। मालिक आप तो जानते हैं मालिक, पिछले दो साल से बारिश नहीं हो रही। मालिक कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? ये तो तुझे पैसा लेते समय सोचना चाहिए था। मालिक मालिक मैं चार छह महीने के मुद्दे दे तो मालिक आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मालिक पाई पाई चुका दूंगा। मालिक तय करो मालिक, छह महीने में दूसरी शादी करेगा क्या? मालिक मालिक जिसके दहेज से मेरा कर्जा चुकाएगा। मालिक तय करो मालिक, मालिक दो बैल लिए आधा कर्जा चुका। ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। वकर तो नमाकाय सिद्धपुरी समुद्रपति विघ्नं गुरुवदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वातिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा कौन करना रे? तेरे लिए ये क्या चल रहा है इधर? मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। हमको आधार देते वक्त ये सोते रहता है। रम्या अब मैं क्या बोलता हूँ, इधर दारू का पट्टी खोलते। तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, चल। कौन है ये? रामया बहुत मेहनती आदमी था, लेकिन पिछले दो तीन साल से जो अकाल पड़ा उसमें उसका खेत, उसके बैल, सब कुछ, तब से चल चल। अरे Yeah.
का पहला मान, अपने गांव के प्रतिष्ठित नागरिक किशन हजारी जी, आइए। मिलिट्री की नौकरी के वजह से कई सालों से तुम हमारे साथ वारी पर नहीं आ पा रहे हो, इस साल चलोगे? हाँ, और पूरे 2 महीने वारी में ही बिताएंगे। यहाँ के 1 महीना बीत गया ना, दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 1 महीना और यहाँ रहेंगे तो भी अच्छा ही लगेगा। सच कह रही भाई, मनत्र बाटे कि अब सारा जीवन आनंदी में व्यतीत करना, यहाँ से जाना ही नहीं। बाबू, गांव मतलब किसान, समाज को अनाज देता है। ये रामे है, बहुत मेहनती आदमी था। इधर दालों का भट्टी खोलते लेकिन पिछले 2-3 साल से जो अकाल पड़ा उसमें उसका खेत, उसके बैल, सब कुछ। कुछ कमजोर किसानों को आत्महत्या कर रहे हैं। हमको आधार देते वक्त ये सोते रहे। गांव की हालत तो अभी बदतर है, पानी नहीं है यहाँ। कुछ भी कर लो, खाओ का कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ तुझे? अब्बा, अब्बा, आपकी तो सारी जिंदगी गांव में बीती है। अब्बा, कोई तो उपाय होगा जिससे हमारा गांव स्वावलंबी होगा, गांव वाले खुशहाली से जी सकेंगे। किशन, हम गांव वालों की जिंदगी खेती पर निर्भर होती है। खेती के लिए चाहिए पानी, पानी के लिए बारिश, पर जब तक बारिश नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा गांव कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता। मौली, तू तो कहता है कि हर दुख का अंत होता है, फिर गांव वालों के दुखों का अंत कब होगा? मौली, कोई तो उपाय होगा। ना आई, तू कीर्तन से ऐसे अचानक उठ के क्यों चला आया? आई अप्पा,
चलो लालीगंज चलते हैं, चलो लालीगंज चलते हैं। अरे क्या नया पागलपन है अब तेरा? आप जरा शांत रहिए ना, किसना ऐसे अचानक? आई मी पण पागल है, माउली से अपने गांव वालों के दुखों के अंत का रास्ता पूछ रहा था। अरे मेरे माउली ने तो सैकड़ों साल पहले ज्ञानेश्वरी में उसका हल लिख दिया है। अप्पा अभी आपने सुना ना माउली ने क्या लिखा है? नगरेच रचावी जलाशय निर्मावी महावने लावावी नाना विधि, अपने गांव के आसपास तालाब बनाइए, वहां हरे भरे पेड़ लगाइए, आपके गांव वालों का जीवन सुंदर हो जाएगा। अरे इसके दिमाग में क्या भूसा भरा है? कृष्णा कुछ साल पहले वो सरकारी अफसर आए थे, उन्होंने तालाब भी बनवाए पर बाद में वो गलने लगे। अप्पा तो हम सब गांव वाले मिलकर वो हिसाब बंद कर देते हैं बस। हाँ पर ये काम हमारा नहीं है, सरकार का है। हाँ कृष्णा। साथियों मेरा ऐसा मानना है, अगर हम सब गांव वाले मिलकर हमारे गांव के तालाब का रिसाव बंद करें तो बारिश के बाद हमें पानी की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। ये क्या बकरा है ये मिलिट्री बाबू, ये तो सरकारी काम है, है? हम क्यों करें? सरकारी काम है ना ये, हमारा काम थोड़ी है, है? हाँ, सरकार का है ये। साहूकार जी हमारी तकलीफें दूर करने के लिए हम लोग सरकार की राह क्यों देखें? भाई जिस तरह हम लोगों ने मिलकर ये मंदिर का निर्माण किया है, अगर उसी तरह सन, अरे क्या मंदिर की बात अलग है। एक बार किशन भाव की बात सुन लेते तो। मैं नहीं बोलेगा। चलो समझ जी आप ही बताइए क्या करना है। जैसे गांव वालों की मर्जी। तो गांव वालों की मर्जी तो ये है कि ये सरकारी काम है, गांव वालों बोलो नहीं करेंगे। राम राम बबन राव। ये तो क्या बोल। अरे मजर हाँ कैसे हो? बस अल्लाह का करम। राम राम मिलते हो। राम 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 राम। मजर कल चौपाल पे गांव ने जो निर्णय लिया आपने देखा? हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप नौजवान लोग अगर मिलिट्री बाबू थोड़ा जल्दी में शाम को मिलते हैं ना, चलना भी गया। हाँ चलो चलो राम राम मिलते हैं। चल भाई चल तुम जल्दी चल पड़ा तो पीछे। अरे वो मलेट्री वाले बाबू।
इसना है ना? इसना, ए इसना, क्या कर रहा है? आई? आप लोग इतने जल्दी आर्मी से कैसे आ गए? अरे तेरी आई को तेरी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन ये तू क्या कर रहा है? अप्पा, अपना भविष्य सरकार को नहीं हमें ही संवारना होगा। ये तो पूरा पागल हो गया है अप्पा। कुछ बड़ा करने के लिए पागलपन जरूरी होता है बाबा। अरे पर तू अकेला क्या करेगा? गांव स्वावलंबी होगा अप्पा, जरूर होगा। नमस्कार। जवान लोग यहाँ बैठकर मक्खियां मारेंगे तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अब रुके, मैं भी आता हूँ, चलिए। कृष्णा, हाँ तुझे लगता है सबसे कुछ होगा? होगा अप्पा, जरूर होगा। ये देख, आई तो यहाँ क्या करूँ, तेरी माँ जो ठहरी। अरे रुक 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 रुक, अरे गलती, बड़ी मेहनत हो रही है। अगर तेरे मिलिट्री वाले को मेहनत करने की इतनी ही आदत पड़ चुकी है ना, तो हमारी गाय बैलों के गोठे में गोबर उठाने के लिए आदमी चाहिए, और हाँ पैसा भी मिलेगा। यहाँ की तरह नहीं कि अपने घर की खाओ और मामू की बकरियां चराओ। अरे भाकरी लेना। कैसे समझाऊं अब इस लड़के को, खाने के लिए भी नहीं। नमस्कार। नमस्कार किशनराव हजारे साहेब, आपण आज का किशन हजारे साहेब, वो जो है ना अकेले धूप में जो काम कर रहे हैं वो है किशन हजारे साहेब। धन्यवाद। इसके पागलपन के किस्से सारे गांव में फैलने लगे। किशन राव जी नमस्ते। नमस्कार। मी विलासराव साळुंखे, आपल्या शेजारच्याच गावात राहतो। गाँव में आपके बारे में चर्चा सुनी तो मेरे पागलपन के किस्से आपके गांव तक भी पहुंच गए। नहीं नहीं आप सही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहाड़ से ऊपर से नीचे की ओर कुछ दूरी पर यदि गड्ढे खोदकर दीवार की जाए तो बारिश का जो पानी आएगा वो वहीं रुकेगा, और गांव में पानी की बढ़ती होगी, कुएं में पानी का स्तर बढ़ेगा। मैंने इस विषय के बारे में कई अफसरों के यहाँ चक्कर लगाए, लेकिन इस पर आने वाले खर्चे के कारण किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। होगा विलास राव, क्या क्या नाम है तुम्हारा? जी किशन हजारे। तो किशन, तुम्हारी ये योजना भी वैसी है। इस सरकारी कुर्सी में बैठते ही हम नियम कानून और अधिकार के बंधन में ऐसा बन जाते हैं कि कई बार पता होने के बावजूद कि ये योजना लोगों के लिए लाभप्रद है, हम अमल में ला नहीं सकते। साहब मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन साहब इसका एक उपाय है मेरे पास। साहब आप सर्वे करके अगर इस योजना को मंजूरी दे देते हैं
तो हमारा सारा गांव श्रमदान करके इस योजना पर आने वाले खर्च को काफी कम कर सकता है सर। ये गांव क्यों मदद करेगा तुम्हारी? दिन दहाड़े सपना देख रहे हो तुम। गणपिया गांव वालों को मदद करनी होगी। अरे क्यों मदद करेंगे तुम्हारी? तो क्या करेंगे गांव? इसी तरह दुख गरीबी और मुफलिसी में जिंदगी जीते रहेंगे? गणपिया माना कि हमारे गांव में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन मेरा विश्वास है अगर हम गांव वाले मेहनत करके इस बारिश के पानी को रोक पाए तो हम गांव वालों की जिंदगी को खुशहाल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। गणपिया गणपिया लगता है साहूकार के वहां कोई आया है। गाड़ी में आया है तो साहूकार के यहाँ ही आया होगा। हाँ अरे ये तो यही रुक गई। अरे दीक्षित साहब नमस्ते। किसान भाई दीक्षित साहब आए हैं। हेलो दीक्षित साहब नमस्कार। नमस्कार कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दीक्षित साहब, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। आइए आइए आइए। काहे फॉर्मेलिटीज नको, चलो सर्वे तो कर लिया जाए। हाँ, आइए बैठो आइए बैठो बैठो उधर। हाँ हाँ साहब नमस्कार। ये जो किसान हजारे है ना जो आपसे मिलने आया था, एक नंबर का फ्रॉड, 420 आदमी है सर, बच के रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। आपका शुभ चिंतक। किशन राव जी चिट्ठी आई है आपकी। नमस्कार। नमस्कार भाऊ नमस्कार। लगता है छुट्टी दे भैया आप। साथियों आज ये सरकारी पत्र आया है, यादव बाबा की कृपा से इंजीनियर साहब ने हमारे गांव में मदद करने के लिए मंजूरी दी है। एक घंटा कल से काम भी शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए गांव वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? साहूकार साहब इस योजना के लिए मुझे गांव वालों की मदद की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये योजना सफल होती है तो हम गांव वालों की किस्मत बदल जाएगी, और इसीलिए मैंने इंजीनियर साहब से हम सब गांव वालों की तरफ से श्रमदान का वादा किया है। तुम कौन होते हो गांव वालों की तरफ से वादा करने वाले? सरकारी काम गांव वाले मुफ्त में क्यों करेंगे? नहीं देखिए इन्होंने बिना किसी से पूछे बगैर वादा कर दिया, पर इसमें इनका कोई स्वार्थ है ऐसा मुझे नहीं लगता, और अगर कोई फायदा हुआ तो पूरे गाँव का ही होगा। गांव वालों की पहले मजदूरी का पैसा देने का वादा करो, उसके बाद गांव वालों से काम करवाने की बात करो। इनकी मजदूरी का पैसा अपने पॉकेट में डालेगा, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा, समझा ना? चलो निकलो सब यहाँ से। क्या गांव वालों? भाई रुको रुको, आप ही बताते हो, बताइए अपना भविष्य सरकार को नहीं हमें ही संभालना होगा। भविष्य रुपए का यार ऐसा क्या नहीं? अरे अपने गांव के विकास के लिए ही कर रहा है ये। आधी रात को जाग क्यों रहे हो? इतनी अच्छी भली मिलिट्री की नौकरी छोड़कर वापस क्यों आ गए तुम किसना गांव? मैं
मुझे अपना बचपन याद है आई। हम बच्चों की जिंदगी खुशहाल करने के लिए तुम्हें और बाबा को रात दिन खेतों में मेहनत करते देखा है मैंने, और बारिश की वजह से उस मेहनत को बर्बाद होते भी देखा है मैंने। हम बच्चों की जरूरतें पूरी ना करने की वजह से जो दुख तुम्हें और पापा को होता था वो भी महसूस करता हूं मैं। इस बारिश के पानी की वजह से तेरे और पापा की आंखों में मैंने बहुत आंसू देखे हैं भाई। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव की आने वाली पीढ़ी ये सारे दुख से है। मैं अपने गांव को खुशहाल देखना चाहता हूं भाई, पर पता नहीं ये गांव वाले मेरी बात समझते ही नहीं। जी तोड़ के मेहनत करना है, मन करता है कि घर में जाकर घुसकर उसको खींच के बाहर ले गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। नमस्ते। किशन जी सर, कहाँ है भाई तुम्हारे गांव वाले कहाँ है? सब सब जोर बोल रहा है, गांव वालों को तो इसने बेवकूफ बनाया ही, ये आपको भी बेवकूफ बना रहा है। किशन राव ये सही है, विश्वासघात किया है तुमने हमारे साथ। सबका विश्वास तोड़ा इसने। चलो सब लोग चलो, चलो आ जाओ। हमें सरकार की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें किसान का साथ देना चाहिए। साहूकार जी, मेरे मिलिट्री वाले अफसर कहा करते हैं, किसान हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। किसान मैं रात भर सो नहीं पाया, न जाने क्यों बार बार तुम्हारा ही चेहरा नजर आ रहा था, और लगा कि तुम सही कह रहे हो। बच्चों के चेहरे पर मायूसी देखकर मैंने भी सोचा आपका साथ देने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। अरे माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। किसान हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना ने गांव वालों के लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं। उन्होंने गांव वालों की सहायता से इस बंजर जमीन को खेती योग्य बनाया। तुम देखना अन्ना एक दिन इस पूरे मुल्क को इस गांव की तरह खुशहाल और भ्रष्टाचार मुक्त बना देगा। ये नहीं हो सकता। ए भैया ये भेड़ों का गांव कहां पर है भैया? काका गांव का हो या इंसान का, नाम बनाने में वक्त लगता है, उसे इज्जत से लेना चाहिए। वो रालेगंज सिंधी, यही है रालेगंज सिंधी मेरा गांव।
साथियों, सफलता और पैसा बचाना आसान बात नहीं है। हमारा गांव पहले से ही शराब के लिए बदनाम है और पैसा आने के बाद मैं देख रहा हूं कि गांव के और भी लोग शराब पीने लगे हैं। यह सही नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब हमें एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि गांव में शराबबंदी लागू होगी। क्या कहते हो? तुम्हारा सुझाव अच्छा है किसान, मुझे मंजूर है, लेकिन क्या करें, सारी भट्टियां जो हैं, जो इस साहूकार की और उन जैसे लोगों की है, जिसका इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा तो इस गांव से लेना देना है, हमारा, हमारी अगली पीढ़ी का, उनके भविष्य का इस गांव से लेना देना है। और इसीलिए मैंने आप नवयुवक मंडल को आज यहां बुलाया है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक निर्णय लें, और वो निर्णय ये है कि अब इस गांव में न शराब बनेगी और न शराब बिकेगी। सही है किशन, मैंने देखा है कि शराब से ही शरीर का क्या हाल होता है। किशन, इस मुहिम में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं अन्ना। अन्ना बड़ा भाई। किशन, किशन तो सचमुच हमारा इस गांव का बड़ा भाई है। अन्ना, 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 अन्ना। राम राम। अरे अरे राम 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 मिलिट्री बाबू। सविंदर, हाँ, लेकिन आप लोग को जो चाहिए वो इधर नहीं मिलेगा, मगर इधर जो पहली धड़की मिलेगी ना, वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। आए शपथ। ये दया आनंद। हाँ मिस्टर बाबू। दिनकर राम, ग्राम सभा ने संपूर्ण गांव में दारूबंदी का निर्णय लिया है। आपसे प्रार्थना है कि आप ये शराब बनाना और बेचना बंद कर दें। अभी बच्चे क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे। मैं समझता हूँ, लेकिन आपको सोचना होगा, अपने परिवार को पालने के चक्कर में आप कितने परिवार भूखे सुलाना चाहते हो? ये सोचने उचने का काम हमारा नहीं है। आप शांति से सोच लीजिए, हम लोग कल फिर आते हैं। नमस्कार। इस तरह से तो ये मिलकर बाबू ने हमारी सल्तनत की सारी चौकियां उखाड़ के देखा है। हाँ मालिक, लेकिन अगर कल को फिर गांवों को साथ लेकर आ गया तो वो इसका अंजाम देखेगा। किसना, आजकल बाबा तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं। अच्छा, मुझसे तो कभी नहीं कहते। कुछ नहीं आई, शरारती बच्चे होंगे। अब एक किसान हजारे मिलिट्री बाबू गांव का मसीहा बनने की कोशिश मत कर। आज तक इस गांव में हमसे टकराने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसकी कीमत तेरे साथ साथ तेरे परिवार को भी चुकानी पड़ेगी। समझा ना? क्या कहा? अपने घर परिवार से नाता तोड़ दोगे? अब्बा, अगर आप उचित समझे और अगर गांव वाले इजाजत दे तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी यादव बाबा मंदिर के इसी कमरे में गुजारना चाहूंगा। अन्ना, तुम्हें परवानगी की क्या जरूरत है? और ये ऐसा निर्णय इतनी जल्दबाजी में लेने का कारण? अब्बा, मुझे डर है अगर मैं घर पर रहा तो ये सामाजिक लड़ाई लड़ने में मैं कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। दिनकरराव जी, राम राम। आपसे आखिरी बार विनती कर रहा हूं, आप ये शराब बनाना छोड़ दीजिए। गणपिया, चले हट पीछे, चल चल पीछे जा। Thank you.
खाना दे। ये ले पानी पी ले, खाना थोड़ी देर में बनेगा। ये ले कपड़ा बांध ले, भूख नहीं लगेगी तुझे। ये तू भी कपड़ा बनवा के भूखा सुलाती है तू। चुप बैठ, नहीं तो बाबा कहने पे मार खिलवाऊंगी। तो झूठ बोल रही है माँ, बाबा तो सोने के बाद आते हैं। ए बेवड़े, दारू नहीं मिली क्या? ए टक, ए बेवड़े, टक। चल, चकना लेकर गया था दारू लेने, उस शनि महाराज ने सारी दारू की दुकान बंद करवा दी। अब इस चकने का हमें झक मारू? ए बाबा हमारे लिए भजे रहे। अनाज बैंक में जमा करेगा, जिसको उसकी जरूरत होगी वो उसको लेके जाएगा। जब वो वापस करेगा वो अनाज, तो थोड़ा ज्यादा ब्याज के तौर पे वापस करेगा। इससे क्या हो गया, पूरा गांव साहूकार के चंगुल से मुक्त हो गया। मैं रालीगन का विकास देखना चाहूंगी। आपले अन्नांच्या समर्थनासाठी संपूर्ण देशभरातून ये हमारा स्कूल है, जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा राळेगंज से। 25 साल पहले अन्ना ने गांव में श्रमदान द्वारा इस स्कूल की स्थापना की। शुरू शुरू में सिर्फ 3 या 4 कमरे हुआ करते थे, पर देखते ही देखते 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होने लगी। अब बच्चों को पढ़ाई के लिए 10-12 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता था। अगर मेरी जानकारी सही है तो ये वही स्कूल है जिसमें 1 क्लास फेल हुए बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है। ओए, बरोबर। बल्कि एक ही कक्षा में ज्यादा बार नापास हुए छात्र को सबसे पहले एडमिशन मिलती है यहाँ। शुरू शुरू में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव में एक नेता था जिसके विरुद्ध में लोगों ने वोटिंग की और वो नेता इलेक्शन जीत गया। उसने फिर शाला की मान्यता ही रोक दी। बहुत तकलीफें उठानी पड़ती। बच्चों को परीक्षा देने के लिए 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, और तो और उसने इस परीक्षा के निकाल भी रोक दिए। स्कूल की मान्यता के लिए अन्ना अहमदनगर और पुणे के एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। अन्ना को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि कुछ सरकारी अफसरों को आम आदमी की तकलीफों की जरा भी परवाह नहीं है। एक सत्य जो हम सब जानते हैं कि हमारी शाला को पिछले 2 सालों से सरकारी मान्यता नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारे बच्चों पर, उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। हमारे जूते घिस गए, लेकिन सरकार की कान पर जूतक नहीं रहेगी।
अब इस मुद्दे पर अन्ना जी ने एक फैसला लिया है। लो अन्ना जी आ गए। ये फैसला अन्ना जी स्वयं आपको बताएंगे। अन्ना जी सांगा तुम्ही। आताच आपल्याला मास्तरांनी सांगितलं की शाळेच्या मान्यतेसाठी आपल्याला किती त्रास होतोय, तो मैंने तय किया है कि जब तक ये सरकार हमारे स्कूल को मान्यता नहीं देगी तब तक कल से मैं अहमदनगर जिला परिषद के सामने अपना आमरण अनशन शुरू करूंगा। आमरण अनशन म्हणजे काय? भूखा रहकर विरोध दर्शाना, जैसे गांधी जी किया करते थे। आप सभी गांव वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे नहीं पता कि इस अनशन के दौरान मेरा क्या होगा, पर अगर मेरी जान जाती है तो आप सभी गांव वालों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरे इस शरीर को आप इस मंदिर के दहलीज पर गाड़ देना, ताकि आप सभी गांव वालों के चरणों की धूल मेरे माथे पर पड़ती रहे। राम राम। अन्ना ने आमरण अनशन का जो इतना बड़ा निर्णय लिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? पिछले 2 साल से अन्ना मास्टर सरकारी दफ्तरों में जा जाकर स्कूल की मान्यता के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर सर वो किसे नजर है ना, अनशन पे बैठा है। आजकल जो भी उठता है अनशन पे बैठता है। सरकार पुन्हा वसणार असा संपूर्ण महाराष्ट्रात माहोल आहे। सर याचे कुछ अपॉइंटमेंट हे ठेवावं बाजूला। हे काय सर? सर ये किशन बाबूराव हजारे हैं, ये गांव वालों के साथ अनशन पर बैठे हैं स्कूल की मान्यता के लिए। उन्होंने श्रमदान से स्कूल बनाया है सर। और हमने क्या किया सर? वो हमने कंसल्टिंग डिपार्टमेंट को लेटर भेज दिया है सर। लेटर नहीं सर, अरे स्कूल बनाना हमारा काम है सर, सरकार का काम है सर। वो गांव वालों ने श्रमदान करके स्कूल बनाई तो हम परमिशन नहीं दे रहे। वक्त कौन सा है? फोन लगाओ, वो एजुकेशन ऑफिसर को फोन लगाओ। हेलो, नमस्कार सर। तो नमस्कार देवाला। वो किशन हजारे अनशन पे बैठा है क्या? हाँ सर। उसे अभी के अभी परमिशन दो। यस सर। क्या लेके आए? देख नमस्कार, ये आपकी स्कूल की मान्यता का आदेश। आई देवा। अन्ना 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 सारी डेवलपमेंट्स के बाद तो अन्ना को आराम मिला होगा। आराम और अन्ना, अन्ना और संघर्ष का मानो चोली दामन का साथ है। अभी तो गांव ने खुशियां देखना शुरू किया था। बिजली तो रोज से नाटक रही है, साल भर से बिजली के दफ्तर चक्कर काट रहा हूं। अन्ना का डर नहीं होता तो अब तक उन बिजली वालों की बत्ती गुल कर देता मैं। अन्ना कई बार बिजली ऑफिस गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अन्ना इस तरह तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ अन्ना, यहाँ काफी लोग बाहर गांव से भी आए हैं और उनका कहना है कि उनके गांव में 8-8 दिन तक बिजली नहीं आती। धन्यवाद सर। देखा काम हो गया ना आपका, ऐसे नेतागिरी दुकान नहीं चलाते हम लोग। चलो साहब चला तुम्हें। रुको खाली दो लोग जाएंगे। नमस्कार। साहेब
हम बिजली की समस्या पर निवेदन करने आए हैं। कौन से पार्टी से आप? हम किसान हैं, किसी पक्ष या पार्टी से नहीं है। जी सर, ट्रैवल उन्होंने गाड़ी पर। हाँ सर, देखिए आपका काम नहीं हो सकता साहेब। पर बोल दिया ना एक बार, कैसा हिसाब लगाया आपने? काम नहीं हो सकता अभी साहेब। बड़ी आशा लेके आए आपके पास, इसलिए कुछ आप। मैंने बोला था आशा लेके आओ, मेरे हाथ में जादू की घंटी है जिसे घुमाते ही आपके घर में बिजली आ जाएगी। और क्या बिजली मैं अपने घर पे बनाता हूँ क्या? नहीं हो सकता काम। जब किसान बहुत तकलीफ में है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, मेरा ऐसा मानना है अगर आप कुछ ट्रांसफार्मर्स हमारे एरिया में लगा दें तो हमें बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपके मानने पर मैं अमल करूंगा? हैं? डिपार्टमेंट साहब, कह रहे गाड़ी सर, गाड़ी आ लेना साहेब। सर साहेब, महात्मा गांधी समझते हो गए अपने आपको? अनशन पे बैठोगे? बैठना पर या नहीं है अपने घर पे बैठने का। हाँ ये जरूर साहेब। अच्छा, आठवा दिवस है त्यांचा अनशनचा। बर दादा कळ। हां शांतिपूर्वक चलाना। मास्टर जी आता हूं। पन्ना च
बच्चा तब बिजी कार से बटन लग गया। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन हमें कंटो बहु रावत काका अपने हाथ में चिता पेट लाए निकल रहे हैं। भैया हम सही नहीं करेंगे ये। अरे गणप्या अन्ना ने कहा दोनों शांति से करना। अरे शांति मिलती कुछ नहीं। गणप्या याद रख अहिंसा, अन्ना ने कहा है अहिंसा। अहिंसा से कुछ नहीं होगा, बस कल से रास्ता रोको। राष्ट्रीय राजमार्ग रोक कर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बंद कीजिए सब, नहीं तो आपके खिलाफ सरकारी कार्रवाई होगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हाँ, हम इस जगह से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, हम इस जगह से हरगिज नहीं हटेंगे। रास्ते में लंबा जाम लगा है सर। मालूम है मुझे तुम पुलिस वालों के होते हुए इतना बड़ा जाम कैसे लग गया। जैन सर, सर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है सर, आई नीड एडिशनल फोर्स। जान तो जाइए, अन्ना जी का संदेश है कि आंदोलन अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक होना चाहिए। बहुत हो गया ना। शिंदे का हाथ पकड़ना है। We'll be right back.
चुनाव में आकर सरकार ने अन्ना की सारी मांगे मान ली। लोगों के लिए अन्ना ने अपना अनशन तो वापस ले लिया, लेकिन लोगों ने हिंसात्मक प्रदर्शन करने की वजह से किसानों की मौत और नौकरशाही के असंवेदनशील गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने उन्हें दुखी कर दिया। किसना, यहां अकेले बैठ के कैसे होगा? किसना, तू रो रहा है किसना? आई, सरकार ऐसे असंवेदनशील कैसे हो सकती है? सबको मार गई। अरे तो हमें और अंग्रेजों में फर्क क्या रह गया? मार डाला है, मत रो किसना, सबको मार दिया है। क्यों किसना, मत रो। आई मत रो किसना, दिया है। शांत हो जाए। अब तक गांव वाले, बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक संस्थाएं अन्ना के कार्य का लोहा मान चुके थे। एक बार सरकारी लोग आए थे, वो सरकार की तरफ से अन्ना जी से रालेगढ़ की ही तरह अन्य गांवों में मदद करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। फिर क्या था, अन्ना जी ने अपने आप को इस कार्य में झोंक दिया। उन्होंने महाराष्ट्र सहित दूसरे प्रदेशों के सैकड़ों गांव में जाकर अपना कार्य शुरू किया और देखते ही देखते उन गांवों की जैसे किस्मत पलट गई। विकास की गंगा बहने लगी उन गांवों में। अन्ना कम बारिश के क्षेत्र में वॉटरशेड डेवलपमेंट जैसे तरीकों से अच्छी फसलें लेने के रास्ते तैयार कर रहे थे। अन्ना हमेशा कहते हैं, जवार के भुट्टे को खेत में लहलहाते देखने के लिए जवार के एक दाने को पहले अपने आप को जमीन में कुर्बान करना होता है। अन्ना द्वारा किए सामाजिक कार्यों के लिए अन्ना को कृषि भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। अजीब बात है ना, सरकार अन्ना को सम्मानित करती रही और फिर भी अन्ना सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। अन्ना जी को सम्मान से बढ़कर है लोगों की खुशी, समाज की भलाई। अन्ना जी जब गांव गांव जाते थे तब उन्हें एक बात का एहसास हुआ कि गांव की समृद्धि में, लोगों की भलाई में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा रोड़ा है। कुछ भ्रष्ट नेता और नौकरशाह मिलकर इस देश को लूट रहे हैं। अन्ना जी का मानना है कि जब तक समाज से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, आम आदमी को गरीबी से राहत नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने 1991 में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन शुरू किया। अन्ना जी ने कुछ नया नहीं किया, गांधी जी द्वारा बताए गए अनशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये 25 साल में अन्ना ने लोगों के लिए बहुत आंदोलन किया, तो ये आंदोलन के कारण 7 मिनिस्टर, 425 अफसर लोगों को अपना कुर्सी छोड़ना पड़ा। ये आंदोलन के लिए बहुत इंसल्ट भी सहना पड़ा अन्ना को, अन्ना को दबाने के लिए, उनकी आवाज चुप करने के लिए सरकार ने उनको छोटे मुकदमे में जेल में डालने की कोशिश तक की, लेकिन अन्ना का डरने वाला था। जब लोगों को पता चला तो सारा महाराष्ट्र रास्ते पर उतर आया और सरकार को अन्ना को छोड़ देना पड़ा। बस आप इस रजिस्टर पर दस्तखत कर दीजिए, फिर आप रिहा। जेलर साहब माफ कीजिएगा, मैं साइन नहीं करूंगा। अरे जब सरकार ने मुझे कैद के बीच में रिहा करने का फैसला किया है, इसका मतलब मैं निर्दोष था, मैं साइन नहीं करूंगा। अब अन्ना को महसूस होने लगा कि जब तक सख्त कानून पारित नहीं होगा, ये भ्रष्ट लोग यूं ही बचते रहेंगे। इसीलिए अन्ना ने नए और सख्त कानून को लागू करने का प्रयास चालू किया। पहले आला थे ग्राम सभा बिल, हाँ वो कानून बना। फिर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कानून बनाने के लिए अन्ना ने मुंबई के आजाद मैदान में 11 दिवस 11 दिनों तक अनशन किया। तब जाकर
राज्य सरकार ने उसे पारित किया। उसके बाद केंद्र सरकार ने उस कानून को पूरे देश में लागू किया। अच्छा, अन्ना जी को यह बात जानकर आश्चर्य हुआ कि आम आदमी की गलतियों की सजा के लिए तो बहुत सारे कानून हैं, मगर नेताओं के, ये सरकारी अफसरशाहों की गलतियों की सजा के लिए मौजूदा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। तब एक बात सामने आई कि इन नेता और सरकारी नौकरशाहों को लगाम लगाने वाला जन लोकपाल बिल पिछले 42 वर्षों से पार्लियामेंट में जबरदस्ती रोका गया है। जब ये बात सब बाहर आई तो बहुत सारे नागरिक, समाज सेवक, एनजीओ एक साथ हो गए। क्या हालत होगी? अन्ना जी के शरीर में कीटोन्स की मात्रा काफी बढ़ गई है। हमारी सलाह है कि अन्ना जी को सलाइन लगा लेनी चाहिए, परंतु ये निर्णय स्वयं अन्ना जी को करना है। साहब का कहना है कि मुझे सलाइन लगानी चाहिए। मैंने इस बारे में सोचा, मेरा दिल कहता है। अरे, एक तरफ तो कहता है दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, और जब मरने की बारी आती है तो पीछे हटता है। ये सही नहीं है। तो मैंने तय किया है, मर गया परवाह नहीं, लेकिन मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे, पिछले 42 सालों से ये नेता लोग लोकपाल पर चर्चा कर रहे हैं ना, और कितनी चर्चा करेंगे। मेरे सामने गरीब आदमी, हर पक्ष और पार्टी गरीब आदमी की भलाई की बात करती। अरे, तो ये भी गरीबों का प्रश्न है। किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ, पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। पैसे ले लिए, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तरसों आ जाओ, चक्कर पे चक्कर कटवा दे। अरे, वो मालिक है ना, मालिक से चक्कर कटवाते हो। तो सरकार चाहे जो करे, जब तक जन लोकपाल बिल पास नहीं होगा मैं अपना अनशन नहीं छोड़ूंगा। नीचे से लेके मंत्रालय तक हर अफसर को जन लोकपाल बिल में लाना ही होगा। नहीं टूटेगा अन्ना का अनशन। देश के कई हिस्सों में शाम को कैंडल मार्च निकाला गया है। समाज के हर तबके से अन्ना के आंदोलन को बड़ा समर्थन मिल रहा है, जिसने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी। आज शाम को पीएम हाउस में जो इफ्तार पार्टी है, शायद वहाँ कुछ फैसला हो सकता है। अरे राम्या, काय झालं? बस करो अन्ना, बहुत हो गया ये आंदोलन, कुछ खा लो। अरे राम्या, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे, ये जो देशवासियों का उत्साह और विश्वास है ना, उसके दम पे मैं अभी 15 दिन तक अनशन कर सकता हूँ। नहीं, अब एक दिन भी नहीं। उधर डॉक्टर बोल रहे हैं अन्ना को सलाइन देना पड़ेगा।
मेरे जैसे लाखों रामिया को तेरे जैसे अन्ना की जरूरत है। तो गवारे बोले अन्ना ला सांगा बंद कराइए अच्छे। बंद कर तो है आंदोलन, बंद कर देता हूं ये आंदोलन। रामिया मुझे ये बताओ कि इस अन्ना ने देशवासियों से जनलोकपाल का जो वादा किया है, ये अन्ना उनसे क्या कहेगा? ये बाहर नारों का आवाज सुन रहे हो? अन्ना तुम संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है। उनको क्या जवाब दोगे? मेरे देशवासी बहुत देर बाद जागे राजा। अरे इस अन्ना के जिंदा रहने से मेरे देशवासियों का विश्वास जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। रामे रामे मुझे मेरे यादव बाबा पर विश्वास है। तू चिंता नहीं करना, मुझे कुछ नहीं होगा। नमस्कार। हो फ्रेंड्स, ही डिड इट। इस समय की सबसे बड़ी खबर, जनलोकपाल बिल के लिए अन्ना जी ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें उन्हें जीत हासिल हुई। संसद ने उनकी तीनों मांगों को ध्वनि मत से पारित किया है। पीएम और संसद बस यही चाहते हैं कि अन्ना जी जल्द से जल्द पूरी तरह अपना अनशन खत्म करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी से मेरा धन्यवाद कहिएगा। सबको मैं नमस्कार करता हूं। ये जो चमत्कार आपने किया है उसको मेरा नमस्कार है। ये जीत आप सबकी जीत है ऐसा मैं मानता हूं। अभी आधी जीत हुई है, आधी जीत अभी बाकी है। इस आंदोलन से एक बात अच्छी होगी, हम लोग नींद से जाग गए, अब हमें सोना नहीं, हमें सोना नहीं। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आप नवयुवकों को अब आगे आना होगा। मैं आप सब में आजादी के दूसरे लड़ाई के गांधी, सुभाष चंद्र, भगत सिंह देख पा रहा हूं। मुझे यकीन हो गया आपके हाथ में तिरंगा देख, मुझे यकीन हो गया। देर भले लग जाए लेकिन आजादी की दूसरी लड़ाई में हम जरूर जीत हासिल करेंगे। एक बात हमें हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, हम मालिक हैं, हम मालिक हैं। और अपना भविष्य सरकार को नहीं हमें ही बनाना होगा। भारत।